हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सेपरेट होने के बाद डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को भूल जाते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, थोड़ी देर के लिए वो अपने डिवाइन फेमिनिन को भूल जाते हैं, ये सोचकर कि चलो अच्छा हुआ इसे पीछा छूट गया, पता नहीं क्यों ये तो मेरे पीछे ही पड़ी थी और पता नहीं कौन सी दुनिया से आई हुई थी, अलग ही बातें करती थी, अलग ही रहती थी, अलग ही देखती थी मुझे। अच्छा हुआ कि मैं उससे अलग हो गया हूँ और वैसे भी उसकी एनर्जी मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी और पता नहीं क्यों मैं उससे भाग रहा था। ये बहुत अच्छा हुआ कि किसी रीज़न से उससे पीछा छूट गया। अब मैं अपनी दुनिया में चैन की सांस ले पाऊँगा, उसके बिना जी पाऊँगा, क्योंकि पता नहीं वो मेरे सर पर जैसे मानो बोझ ही बन गई थी। ऐसे वैसे बातों से, ऐसे वैसे विचारों से वो अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं और सेटिस्फाई होते भी है। उस वक्त वो यही सोचकर अपने जीवन में लौट जाते हैं कि अब तो मैं मज़े से रहूँगा, अपनी फैमिली में, जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में अपने आप को मगन कर लूँगा, उसको तो मैं याद भी नहीं करूँगा, ये सोचकर वो थोड़ी देर खुश होते हैं। लेकिन सेपरेशन के बाद जैसे ही डिवाइन फेमिनिन को उनके ट्रिगर मिलते हैं या डिवाइन फेमिनिन उस हद तक हर्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती है, लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन अपने आप को डिवाइन से जोड़ देती है और अपना रोना धोना बंद करके अपने काम में लग जाती है, उन्हें चेस करना ही बंद कर देती है और उनके ऊपर से फोकस हटाकर सारा फोकस वो अपने आप पर, खुद पर लगाती है, तो वहाँ डिवाइन मस्कुलिन को भी उसकी एनर्जी फील होने लगती है और जिस फेमिनिन को वो ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश में थे वो उनकी माइंड में बार बार आती है, उसकी इमेज उनके सामने आती जाती रहती है। फिर भी वो अपने आप को ही कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, और वो बार बार अपने आप को यही दोहराते रहते हैं। यानी कि वो खुद ही खुद को समझाने में लग जाते हैं जबकि डिवाइन फेमिनिन उनके सामने भी नहीं होती है, लेकिन सब कॉन्शसनेसली वो खुद को ही समझाने में वक्त गुजारने लगते हैं और अपनी शान शोहरत, बिजनेस, मनी, जॉब, कैरियर, इन चीज़ों को लिपटने की कोशिश करते हैं और जितना उनको फेमिनिन की याद आती है वो उतना ही इन चीज़ों को लिपटने की और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। यानी कि उनका माइंड ही उनके साथ फाइट करता है कि मुझे सोचने दो उसके बारे में, ये उनका दिल उन्हें कहता है, लेकिन जनाब तो दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, तो वो दिल को दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं मैं उसको याद करूँ ये हो ही नहीं सकता, और वो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं और दिल को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो होते ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल, जो सारे काम दिमाग से ही करते हैं। कुछ दिनों तक ये खेल ऐसा ही चलता है उनके दिल और दिमाग का, फिर दूसरी साइड डिवाइन फेमिनिन की तपस्या, उसकी प्रार्थनाएं, उसकी दुआएं, उसका निस्वार्थी प्रेम दिन ब दिन बढ़ने लगता है और वो जितनी ज़्यादा डिवाइन के नज़दीक आती है यहाँ मस्कुलिन भी तड़पने लगते हैं कि अरे ये सच में मेरे मन में उसी के थॉट्स क्यों आ रहे हैं, कहीं उसने कुछ मैजिक तो नहीं किया मुझ पर, शायद मैं दिखने में अच्छा हो तो अपनी तरफ खींचने के लिए, या फिर मैं इतना अमीर हूँ तो शायद मेरे पैसों पर उसकी नज़र है इसीलिए, या फिर उसको मुझसे कुछ तो चाहिए ही होगा, ज़रूर उसके लिए ही कहीं वो ये सब तो नहीं कर रही है, ऐसे वैसे सवाल उनके माइंड में आने लगते हैं, क्योंकि वो तो 3D में ही रहते हैं तो 3D के विचारों पर ही उनका फोकस होता है, तो वो डिवाइन फेमिनिन को भी उसी नज़र से देखते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती है कि डिवाइन फेमिनिन 3D वर्ल्ड से नहीं बल्कि 5D वर्ल्ड से आई हुई एक प्योर सोल है जो उनको सिर्फ इन 3D चंगुलों से आज़ाद करने के उद्देश्य से उनके जीवन में आई है, लेकिन तब उनका माइंड बस यही सोचता है और वो ये भी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं तो अलग हो गया हूँ, अब इसको अपने विचारों से कैसे अलग करूँ, अपने थॉट से कैसे हटाऊँ, तो ये भी कोशिशें उनकी चलती रहती है। फिर डिवाइन फेमिनिन का असर विचारों से उनके दिल तक दस्तक देता है और वो जाने अनजाने में ही उसकी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं कि किस तरह से वो उसे मिले थे, क्या क्या बातें हुई थी और वो कैसे बातें करती थी,
कैसे खामोश रहती थी, कैसे मुस्कुराती थी, ये सब जाने अनजाने में ही वो सोचने लगते हैं और खुश होने लगते हैं और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं। ये चीज़ें उन्हें सुकून देती है, उनको खुशी देती है और वो बहने भी लगते हैं डिवाइन फेमिनिन के उस निस्वार्थी प्रेम के साथ। लेकिन जैसे ही होश आता है और वो सामने देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे मेरा बिजनेस, मेरा कैरियर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरी शान, मेरी शोहरत, और फिर से ये चीज़ें उन्हें घेर लेती है। इन चीज़ों के सामने वो डिवाइन फेमिनिन को मान ही नहीं पाते हैं कि ये भी उनकी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन उन्हें ये एहसास ज़रूर होता है कि भले ही वो बाहर उनके जीवन का हिस्सा ना बन पाए, लेकिन वो उसे अपने सोल का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। और यही पर जीत होती है डिवाइन फेमिनिन की, क्योंकि वो तो होती ही है उनके सोल का हिस्सा, उनके सोल का आधा पार्ट, उनकी आत्मा का आधा हिस्सा, उनकी आत्मा का अधूरा हिस्सा। और वो अपने फेमिनिन को अपने अंदर ही अंदर सोचकर अपने अंदर ही अंदर एक नई दुनिया बसा लेते हैं, जो दुनिया इस दुनिया के परे होती है। वो भले ही बाहर के अवडंबरों में फंसे रहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर फेमिनिन को वो स्थान देते हैं जिस स्थान के लिए ही वो उनके लिए बनी थी। और यही होता है सोल का सोल के साथ मिलन। और इससे बड़ा मिलन क्या हो सकता है, जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से इस तरह से जोड़ देता है कि कभी वो एक दूसरे के साथ अलग होने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं आध्यात्मिक प्रेम, डिवाइन लव, जो सांसारिक प्रेम के बहुत परे है, जिसे सोचने मात्र से ही आत्मा को वो सुकून, वो आनंद मिलता है जिसकी तुलना शरीर का प्रेम कभी नहीं कर पाएगा। और यही सोल का सोल के साथ जो कनेक्शन है, वही तो है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।